बीच हम रुख करेंगे बीजापुर का, जहां हमारे संग हमारे संवाददाता सतीश कुमार अल्लूर जुड़ चुके हैं। जी सतीश जी, बताइए कि क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों में रहेगी बीजापुर में। बिल्कुल श्रुति, देखिए किसी भी जिले को सबसे ज्यादा अगर तहजुब देना चाहिए तो उसको देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए बीजापुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संवेदनशीलता इतनी ज्यादा रही है कि पिछले 17 सालों में जो स्कूलें बंद हो चुकी थी, जो स्कूलों को बंद कर दिया गया था, चाहे वो नक्सली घटनाओं से लेकर के हो या फिर सलवा जुड़ूम के तहत हो या फिर किसी अन्य कारणों से हो, तो ऐसे स्कूलों को फिर से पुनः ओपन करने का, पुनः खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो बता दूं मैं, अगर 2020 और 2020 से 2022 तक के बीच में लगभग 200 ऐसे स्कूलों को खोलने का प्रयास किया जा चुका है और उन स्कूलों को अब जो है निरंतर स्कूल प्रारंभ किए जा रहे हैं, निरंतर स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है और लोगों बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है। वैसे ही अगर 2023 की बात करें तो 2023 में अब तक जो है जनवरी से लेकर के अगस्त माह तक का टोटल 21 ऐसे स्कूलों को खोला जा चुका है जहां पे कभी पहुंच पाना तक का नामुमकिन हुआ करता था। कैसे ऐसे क्षेत्र, ऐसे दुर्गम इलाके, ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में स्कूलों का फिर से ओपन होना कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है, बहुत बड़ी सुखद समाचार है, क्योंकि ऐसा क्षेत्र है जहां पे नक्सली घटनाएं अमूमन बहुत ज्यादा हुआ करती है, बहुत तेजी से फैलती है और नक्सलियों का अगर देखा जाए तो मेन गढ़ हुआ करता है। और वहां पे अगर शिक्षा का क्षेत्र में अगर वहां पे तहजुब मिल रहा है, शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किया जा रहा है, फिर से शिक्षा को पुनः चालू किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जिला के शिक्षा अधिकारी है उनका सबसे बड़ा सहयोग देखने को मिल रहा है। और जिला शिक्षा अधिकारी बी आर बघेल की अगर मैं बात करूं तो जब से उन्होंने बीजापुर में पदभार संभाला है तब से लेकर निरंतर जो जिले के व्यवस्था है शिक्षा की उसको सुदृढ़ करने का प्रयास उनका किया जा रहा है। लगातार जिले में दौरों का दौर जो चल रहा है उनका वो लगातार जारी है। वैसे ही अगर बात करें तो जिले में जो अधिकारी और भी उनके नीचे में जो कार्यरत है अधिकारी, जैसे बीओ होंगे, संकुल समन्वयक है, खंड शिक्षा अधिकारी है, तो ये अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देने का कार्य बी आर बघेल द्वारा लगातार जारी किया जा रहा है और उनको समझाई दिया भी दिया जाता है कि जितने भी ऐसे स्कूल है, जितने भी ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे स्कूलों को फिर से ओपन किया गया है वहां निरंतर उनका दौरा होना चाहिए और निरंतर बच्चों के साथ में 1-to-1 टच करते रहना चाहिए ताकि बच्चों की परवरिश और बच्चों की देखरेख भी जो समस्या बनी के आई हुई थी वो समस्याओं को दूर किया जा सके। कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अगर बढ़ोतरी होगी तो जिले का विकास जरूर होगा, जिले का विकास होगा तो नक्सली ये जो घटनाएं होने वाली है या होती रही है उनमें लगाम जरूर लगेगा। तो इस टाइप का ये जो प्रयास किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो है शिक्षा का जो क्षेत्र का बढ़ावा तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।